जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये अभी जो वीडियो बन रहा है इसमें कहने की मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि कल मेरे पास कुछ सेठ जो है, मंडी के जो सेठ है जो आड़ते हैं, उनके मैसेज आया था मेरे पास कि भरत भाई, क्या आपने कोई मैसेज दिया कि आपने यूट्यूब चैनल पर कि मंडी अभी जो हड़ताल चल रही है उस कारण इंदौर मंडी बंद है। तो मेरा सीधा सा बोलना था कि मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया, और आज सुबह भी मेरी बात हुई थी तो अपने चैनल से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इंदौर मंडी बंद है या अभी कहने के इंदौर मंडी में हड़ताल चल रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, दूसरी जगह ज़रूर हड़तालें चल रही है, जो कि मेरे को सुनने में आया कि कुछ मंडियाँ बंद पड़ी हुई है, वहाँ हड़तालें चल रही है, वो बात है। लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से क्लियर करूं तो मैंने किसी भी वीडियो में अभी तक ये नहीं बोला है कि इंदौर मंडी बंद है, और मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू कि मैंने किसी भी वीडियो में इस तरह का अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इंदौर मंडी बंद है, वो इंदौर मंडी चालू नहीं है। तो किसान भाइयों, बड़ा सिंपल सा और बड़ा क्लियर सा मैसेज मेरा आप सबके लिए था कि इस तरह की जो अफवाहें हैं, जो इंदौर मंडी बंद है या इस तरह से, मुझे नहीं पता कौन से वीडियो किसान भाइयों ने देखा है, क्या हुआ है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उन चैनलों को देखिए, आप उन वीडियो को देखिए जो कहीं ना कहीं आपके सामने आकर के मंडी के भाव बता रहे हैं। आप अगर ऐसे वीडियो देख रहे हैं जिनमें किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं है और वो बोल रहा है, तो आप किसके ऊपर यकीन करेंगे जिसका खुद का चेहरा नहीं है। इसे क्लियर नहीं कर रहा हूं कि आप वो वीडियो देखिए नहीं देखिए, तो आपके ऊपर अगर आपको अच्छा लगता है, पर हाँ कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत दुख भी होता है कि अगर आप किसान भाइयों को अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाती है तो उस बेस पे क्या होता है कि हम जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मंडी में या आपको जो सही जानकारी दे रहे हैं, कभी कभी इस तरह की चीज़ों को हमको फेस करना पड़ता है। किसान भाई हो गया या फिर वहाँ के जो व्यापारी भाई हो गए, देखो उसमें उनका भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कहने की बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेज चले गए, फ़ोन चला गया। जैसे कि कल मेरे को व्यापारी भाइयों ने बताया कि हमारे पास फ़ोन आया कि आपने कुछ वीडियो में ऐसा बोला क्या। मैंने कहा मैंने तो नहीं बोला यार भैया ऐसा कुछ। बाकी रहा सवाल ऐसा कि अब उन किसान भाइयों ने कौन से वीडियो पे देखे हैं, कौन से चैनल पे देखे, इसका मेरे को कोई पता नहीं है। आज सुबह जब मैं मंडी में गया तब भी मेरी बात हुई थी। तो किसान भाई, आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन में बड़ा क्लियर कर रहा हूँ। मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं बोली कि अभी मंडियाँ हड़ताल के कारण इंदौर मंडी बंद है। जो वास्तविकता है, जो वास्तविक जानकारी है, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब मतलब सीधा सा बोलना है मेरा, आपका जो आपको YouTube पर लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, और उस जो घंटी दिख रही है उसको, घंटी को भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं जो अपने जो वीडियो है वो रेगुलर बेस पे मिलते रहेंगे। और ये तमाम तरह की जो सही जानकारियाँ, जो सटीक जानकारियाँ हैं, चाहे वो भाव से रिलेट हो, चाहे भाव क्या जा रहा है, क्या वास्तविकता है, एग्जैक्ट माल क्या बिका, क्योंकि मेरा जो वीडियो आता है आपने देखा है कि जो भाव चल रहा है यानी जो बोली लग रही है उस समय का बकायदा प्रॉपर वीडियो बनता है। दूसरी चीज़, क्या रेट जा रहा है, वो भी एक किसान से भी बात कराता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से बात हो, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा माल को मैं दिखा पाऊँ। और दूसरी बात ये रही कि जो बिना फेस के वीडियो बना रहे हैं, जो घर बैठे बना रहे हैं, जो अपने मन से, अरे कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा मंडी में छुट्टी और भाई साहब भाव दे रहे कि आज के भाव ये रहे, तो यार मेरे को समझ में नहीं आता कि इस तरह के वीडियो आप जब देख रहे हो तो सीधी सी बात है गलत इन्फॉर्मेशन तो आपके पास आना ही है। वो मेरा सीधा सा है कि अगर आपको सही जानकारी मिल रही है तो आप उन चैनल को सब्सक्राइब करो, उन चैनल को देखो, उन वीडियो को देखो, उससे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप फ़ायदा लीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार भाइयों।